यूपीएसआई में बहुत बड़ी धांधली हुई है। दोस्तों सभी टीचरों के लिए एक प्यारा सा संदेश सभी को देना होगा साथ, थर्ड लिस्ट कब आएगी ये सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं उन कैंडिडेट्स को जो बुरे कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग बुरा कमेंट आप लोगों को नहीं करना है। सिचुएशन समझिए आप लोग कि किस कंडीशन से लड़के पढ़ते हैं, गरीब घर के लड़के पढ़ते हैं, और आज के ज़माने में 20 से 30 लाख या 20 से 25 लाख में बिक जाती हैं सीटें। तो आप लोगों को साथ देना है मेरा, तभी कुछ हो पाएगा। हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये वैकेंसी में जो धांधली हुई है इसका पर्दाफाश ज़रूर कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि धांधली हुई है, तो सभी टीचरों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हम लोगों का साथ दीजिए, क्योंकि यूपीएसआई वाले कैंडिडेट्स बहुत दिनों से लखनऊ में, आप लोग जानते हैं, इको गार्डन में धरना कर रहे हैं। लेकिन एएसआई में भी बहुत बड़ी धांधली हुई, जब एएसआई में इतनी बड़ी धांधली हो सकती है तो आप लोग सोचिए कि यूपीएसआई में धांधली क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो वैकेंसी, छोटी वैकेंसी, उसी का छोटा पार्ट है। तो इसमें भी धांधली हुई है, तो प्लीज़ सभी टीचरों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को समझिए और मेरे कहने की बात को प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए और हम लोगों का साथ दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि करना क्या है हम लोगों को। तो दोस्तों हम किसी दिन ट्वीट करेंगे, ट्वीट के माध्यम से जो भी 100-200 ट्वीट करेंगे, कम से कम सरकार के बात हम लोगों की बात जाएगी, आरटीआई डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि थर्ड लिस्ट कब आएगी। तो आप लोग सभी लोग ये जानते हैं कि करीबन 2500 कैंडिडेट्स पहली लिस्ट में और करीबन 1500 कैंडिडेट्स सेकेंड लिस्ट में ऐसे कुछ पास हुए हैं, ठीक है। तो लमसम 3500-4000 के लमसम कैंडिडेट्स पास किए गए हैं इसमें, जो आपका DBPET हुआ है, ठीक है। तो अब बात करें टाइपिंग में, तो टाइपिंग में दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी छट जाएंगे। अब बात करें स्टेनो वालों की, क्लर्कों वालों की, जिसमें 60 हैंड मांगे हैं, वो लोग जिनके 120 प्लस मार्क्स हैं, 120 प्लस मार्क्स वालों के लिए भी बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों थर्ड लिस्ट अभी बहुत जल्द आने वाली है। हो सकता है टाइपिंग करवाने के बाद आए, हो सकता है टाइपिंग करवाने के पहले ही थर्ड लिस्ट आ जाए। तो आप लोगों को करना क्या है, जिनके भी 120 प्लस मार्क्स हैं वो अपने टाइपिंग करते रहें और सभी 120 प्लस मार्क्स वालों का साथ देना है, क्योंकि 120 प्लस वाले जब साथ देंगे और धांधली वाले कैंडिडेट्स जो 304 और 305 जिनके मार्क्स बन रहे हैं, उनसे ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स मार्क्स हैं जो धांधली से यानी पेपर परचेस किए हैं, उनको बाहर कर दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक 120 प्लस मार्क्स वालों लड़कों का सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों को सभी को करना क्या है, साथ देना है, ठीक है। इसकी लिंक दोस्तों, जुड़ जाना है हमारे साथ, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, उसका सलूशन मिलता है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका भी सलूशन तुरंत दिया जाता है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपको साथ हम लोगों का जरूर देना है। थैंक यू, जय हिंद।